हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पर्पल और लैवेंडर मेकअप लुक। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले आज टोनर रोज वाटर को अप्लाई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं निव्या का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर टोनर अप्लाई कर सकते हो आपके फेस को, जो भी सूट करता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये गुड वाइब्स का रोजिप ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा सेरम है, ऑयल भी है, आप इससे मेकअप रिमूव कर सकते हो इसको। ये बहुत ही फेस को एक ग्लोई और ड्यूई सॉफ्ट भी बना देता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे पैक का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, ब्लर कर देता है आपके पोर्स को, अच्छा है उतना, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा, बट हाँ ओके प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा। तो मैं इसको डैप डैप करके पुश करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आइकॉनिक का हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ फेस पे थोड़ा सा ग्लो आने के लिए। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। सो ये शेड नंबर 01 है, मेरे पास 3 शेड है, तो इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मी 925 का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा क्रीमी है, मुझे पता नहीं क्यों इसको अप्लाई करने से मेरा फेस ना एकदम मतलब कि ड्राई ड्राई हो जाता है, पता नहीं क्यों, बट थोड़ा सा मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी, उसके बाद ही मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करके ब्लेंड कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। ये मेरे फेस मतलब कि फाउंडेशन की तरह ही है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है मेरे शेड से, तो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। ये भी बहुत अच्छा है, क्रीमी है, मुझे जहाँ जहाँ चाहे कंसीलर करना तो मैं इसको कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना बहुत ही अच्छा होता है, एक आपको एक नेचुरल लुक देता है जो कि मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देन मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो हाईलाइट पाउडर है मैं इसको सेट करूँगी अपने फेस को, इससे भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है फेस, और ये मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद मैं अपने फेस को फेसेस के सेटिंग स्प्रे से सेट कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट रोज इन द एयर, और इसको यूज़ करके मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। मेरा फेस थोड़ा सा मोटा है सो इसलिए। तो मुझे जहाँ जहाँ कॉन्टोर करना है, ज़्यादा नहीं, ये मेरे फेस को एकदम सूट करता है, तो मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं ये स्टे क्विट की सॉरी ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पिंक डिवा शायद इसका शेड नंबर है, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये थोड़ा सा पर्पल अंडरटोन में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे ये आइकॉनिक का लिक्विड हाइलाइटर थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसको मैं हैंड से ब्लेंड कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप कर लूँगी। देन मैं यहाँ पे ये ब्यूटी गैजल का पैलेट लूँगी। ये पैलेट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज इसके जो मैट शेड्स है या फिर शिमर शेड्स है बिल्कुल भी मतलब कि काम भी नहीं करते, अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइट पर्पल शेड लूँगी और इसको मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी। इसको बिल्डअप करना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टाइम लगता है, बिकॉज ये बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं है, सॉरी फॉर द लाइटनिंग, बिकॉज कुछ दिखता ही नहीं था इसलिए मैंने इसको चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक डार्क पर्पल शेड को लेके अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी एक फ्लैट ब्रश से, तो इसको ऑल ओवर में अप्लाई कर लूँगी अपने आईलिड पे। आप अगर ब्रश ठीक ठाक लोगे ना तो आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा होगा, तो मैं भी कभी कभी गलत ब्रश ले लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर से वो क्रीज वाला कलर लेके इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे, वरना आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दोनों आईज पे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये वाला देखिए, ये शिमर शेड है पर्पल कलर का, बट बिल्कुल भी पिगमेंटेड ये नहीं है, हाथ पे आपको दिखाई दे रहा है बट कितना घिसने के बाद ही ऐसा आया, बट देखेंगे आईज पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए
इसके कुछ मैट शेड्स भी हैं जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करते, बट इसके जो ग्लिटर शेड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शेड्स के हैं, अच्छी बात है। जो कि उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई करके, मेबलिन का काजल अप्लाई करके इसको वही पर्पल शेड से इसको स्मश कर लूँगी एक फ्लैट ब्रश से। आप चाहो तो आप काजल अप्लाई कर सकते हो या फिर कर भी नहीं सकते हो, जो आपकी मर्जी। उसके बाद मैं अपने लैशेज को कर्ल कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे फेसेस का मस्कारा अप्लाई करूँगी और फॉल्स लैसेस मैं लास्ट में अप्लाई करूँगी, बिकॉज उसको अप्लाई करने के बाद मैं कोई भी मेकअप लुक नहीं कर पाती। देन यहाँ पे मैं ये मैंने मीशो से ख़रीदा था ये सिल्वर कलर का लाइनर अप्लाई करूँगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरा आई मेकअप। आप इसको प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद मैं यहाँ पे एमएन का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे लैक्मी 925 का लिपस्टिक शेड शायद ट्रांसफॉर्मर, ये थोड़ा सा पर्पल अंडरटोन है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसको अप्लाई कर लूँ। उसके बाद मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी और फॉल्स लैसेस ऑफ कैमरा अप्लाई करूँगी और फाइनल लुक में आपको मिलूँगी। बाय बाय। Thank you.